तो हाय गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि सब मजे में होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ्स और उसमें लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। सेकंड चैप्टर है हमारे मैथ्स का और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशंस क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं और वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। तो ये आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, 3y प्लस 6x। अब ये क्या हो गया? इसमें एक तो इंग्लिश अल्फाबेट्स भी हैं और ऑपरेशंस भी है। अब ऑपरेशंस कौन सा? जो डॉक्टर करते हैं वो ऑपरेशन नहीं है, मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस। तो ये हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। सेवन एक्स प्लस 8y माइनस 9x। अब देखिए, ये इसमें अल्फाबेट्स भी हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स भी है और मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी है। तो अब ये हो गया हमारा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये तो हो गया हमारा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इक्वेशंस क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होते हैं वो हम जानेंगे। तो अब देखिए, ये 3y प्लस 6x है, तो अभी हम यहां पर वो ही लिख लेते हैं। अब इसमें ऑपरेशंस भी है और इंग्लिश अल्फाबेट्स भी है। अगर हम इसके सामने इज इक्वल लगा देते हैं और कुछ भी और दूसरा नंबर लिख लेते हैं, जैसे कि 9, अब इसका आंसर वो नहीं होगा, लेकिन अगर हम फिर भी कुछ भी लिख लेते हैं तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। इसको भी हम कर लेते हैं। अब देखिए, हमें इससे इसमें क्या मतलब रखना है? बस इज इक्वल का मतलब रखना है। अगर इज इक्वल है तो वो हम इक्वेशन में लेंगे, इज इक्वल नहीं है तो वो होगा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और इसमें लीनियर इक्वेशन क्या है वो भी जानेंगे। पहले अब ये ले लेते हैं हम ए। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। तो अब हम जानते हैं लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। तो अब हम पहले समझेंगे वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। तो अब देखिए, हमने ये एक सॉल्यूशन लिया, अब ये हो गया हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इसमें जो 31x है, अब 31 जो है उसकी वैल्यू क्या कभी बदलेगी? 3 है। अब 3 को हम कभी 4 बोलेंगे क्या? 3 की वैल्यू 3 3 होगी, लेकिन ये जो x है, x की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे x हमें पूछा जाता है कि अब 31x प्लस 4y इज इक्वल 9, तो x की वैल्यू क्या होगी, ऐसा हमें पूछा जाता है। तो x की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, उस क्वेश्चन में नहीं, हम मानकर कुछ भी रख सकते हैं एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू बदलती रहती है। और अब जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 1 2 3 जो भी हम काउंट करते हैं, वो हो गए कॉन्स्टेंट्स, उसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती। लेकिन ये जो एबीसीडी, अगर एस है तो एस की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी क्या? नहीं, हम एस की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। तो ये जो इंग्लिश अल्फाबेट्स है, ABCD जो भी है, उसकी वैल्यू हम बदल सकते हैं। तो ये तो हो गए वेरिएबल्स, ये जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हो गए ये वेरिएबल्स हो गए, और जो हमारे काउंटिंग नंबर्स है वो कॉन्स्टेंट्स हो गए। अब आपको वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझा तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से एक बार देख लीजिए। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे लीनियर इक्वेशन क्या है। हमने इक्वेशन जान लिया, अब हम जानेंगे लीनियर इक्वेशन क्या है।
कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, उसके बाद से हम समझेंगे। प्लस 5 और 7m पावर 2 प्लस 8 इज इक्वल। तो अब हमने ये तीन एग्जांपल्स ले लिए हैं और अब आप बताइए मुझे इनमें से कौन से इक्वेशंस है और कौन से एक्सप्रेशंस है। तो जी हाँ, आपने सही बताया, ये इसमें इज इक्वल नहीं है, मतलब ये है हमारे एक्सप्रेशंस या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एक्सप्रेशन हो गया ये हमारा, और इसमें भी इज इक्वल नहीं है तो ये भी एक्सप्रेशन हो गया, लेकिन इसमें यहाँ पर इक्वल का साइन है, मतलब ये इक्वेशन हो गया, इक्वेशन हो गया। लेकिन यहाँ पर लीनियर, ये जो लीनियर वर्ड यूज किया गया है, ये लीनियर जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है? तो अब हमने सीखा है 7th क्लास में पावर, पावर वर्ड कहीं तो भी सुना है, जो हम अल्फाबेट्स होते हैं जैसे M, इसके ऊपर जो पावर लगाते हैं 2, 3 उसे हम पावर कहते हैं। तो अब अगर ये Y है, इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं लिखा है, मतलब ये 1 है, इसका पावर 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा है, इसका भी पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर लिखा है इसका पावर 2 है। तो अब देखिए यहाँ पर 3y पावर 1 प्लस 4, अब अगर इस पावर की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो ये लीनियर वर्ड उसके सामने नहीं आएगा। अभी देखो यहाँ पर 1 है तो, और ये एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पर लग जाएगा लीनियर, और ये हो गया लीनियर एक्सप्रेशन, और यहाँ पर भी कुछ पावर पावर नहीं है तो ये भी लीनियर हो गया, लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। और यहाँ पर m2 है, मतलब ये 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा मतलब वो लीनियर नहीं रहेगा। और ये हम इक्वेशंस में भी कर सकते हैं, एक्सप्रेशंस में भी कर सकते हैं। जैसे और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम, इज इक्वल 8। तो अब यहां पर इज इक्वल है तो पहले आप बताइए मुझे कि ये इक्वेशन होगा कि एक्सप्रेशन होगा। जी हाँ, आपने सही बताया, ये है हमारा इक्वेशन, ये इक्वेशन है। और इन दोनों में से लीनियर कौन सा है और लीनियर कौन सा नहीं है वो बताइए। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये लेसन का मेन यही है कि यहाँ पर m है और पावर 2 है। हमने क्या पढ़ा है कि अगर पावर 1 से बड़ा होगा तो ये लीनियर नहीं कहलाएगा, ये लीनियर नहीं है। और यहाँ पर m है और इसके ऊपर कुछ नहीं है, मैंने अभी 1 लगाया पावर, और अगर किसी इंग्लिश अल्फाबेट के ऊपर कुछ भी नहीं होगा तो उसका पावर हम कैसे जानेंगे, उसका पावर होगा 1, हमेशा वो 1 ही होगा अगर उसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है। और ये 1 मतलब ये हो गया लीनियर, लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन में बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पर लीनियर इक्वेशन लिखा है, मतलब वो बस इक्वेशन में ही नहीं होगा, लीनियर एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो अब आपको ये हमारे सभी टॉपिक समझ में आ गए होंगे, तो अभी थोड़ा और जानते हैं हम इस लेसन के बारे में। तो अब ये जो है इन वन वेरिएबल, ये जो लिखा है इसका मीनिंग हम समझते हैं। तो पहले कोई भी इक्वेशन लिख लेते हैं हम,
अब देखिए 2x प्लस 4x, तो इसमें वेरिएबल्स क्या है? ये दो वेरिएबल्स है एक्स एक्स, क्योंकि कांस्टेंट तो हमारे ये है नंबर्स। ये जो वेरिएबल्स है यहाँ पर दो एक जैसे वेरिएबल है, मतलब एक्स एक्स। तो ये तो हो गया इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें दो एक ही वेरिएबल है ना, बस दो बार एक ही जैसा लिखा है। और यहाँ पर भी वाई वाई, ये भी इन वन वेरिएबल हो गया। लेकिन यहाँ पर एक्स है और वाई है, तो ये वन वेरिएबल नहीं होगा। तो यही है इन वन वेरिएबल का मतलब ये जो दो वेरिएबल से अगर वो सेम रहेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन वन वेरिएबल, लेकिन अगर वो दो तरह के वेरिएबल्स होंगे तो यहाँ पर हम इन वन वेरिएबल नहीं लिख सकते, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। और अब हम जानते हैं LHS और RHS क्या होता है। तो अब देखिए यहां पर, तो LHS लेफ्ट हैंड साइड, मतलब जो इज इक्वल के लेफ्ट साइड में है उसे हम कहेंगे LHS, और जो इज इक्वल के राइट साइड में है उसे कहेंगे राइट हैंड साइड RHS। अब ये LHS इज इक्वल टू RHS है क्या, हम कैसे जानेंगे? तो वैसे तो LHS एंड RHS इक्वल होता है, लेकिन वो इक्वल है कि नहीं वो कैसे जानेंगे? वो हम जानेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस में। तो अब हम जानेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन की LHS लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल सेवन। तो अब ये जो RHS के बराबर है, इक्वल है, ये जानना है हमें, तो ये हम अभी सॉल्यूशन से करेंगे। तो पहले तो हम ये थ्री जो नंबर है उसे लेंगे और माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट थ्री बाय LHS एंड RHS, तो वो करेंगे हम पहले। अब अगर हम थ्री को थ्री से माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, जीरो हो जाएगा। तो अब यहां पर तो आएगा 2x प्लस, अब ये हमारे पास LHS में बच गया, और थ्री को सेवन से करेंगे तो हमारे पास आएगा फोर, यहाँ पर हमारे पास आ गया फोर। तो अब हमें इसे इक्वल करना है, अब वो कैसे करेंगे हम कि ये यहाँ पर ये जो नंबर है वो इक्वल रहने चाहिए। तो अब ये जो एक्स की वैल्यू है हम उसे निकालेंगे, एक्स की वैल्यू अगर हम टू करेंगे तो ये जो नंबर है दोनों फोर हो जाएंगे। तो अब इसमें x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू। अब हमने टू क्यों रखा, क्योंकि ये जो हमारा LHS एंड RHS है वो इक्वल होना चाहिए। अब यहां पर आ गया टू प्लस टू फोर हो जाएगा, इक्वल टू फोर,
अब देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड भी इक्वल हो गया, तो यही हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज के लिए नमस्कार।